कहते हैं फिल्मों की कहानी अक्सर असल जिंदगी से प्रेरित होती है, लेकिन जब कहानी के बीच असल जिंदगी के कुछ पन्ने खुल जाएं, तो पूरी किताब ही बदलने लगती है। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जब एक फिल्म में तवायफ के रोल के लिए एक असली तवायफ को कास्ट किया जा रहा था। उस तवायफ ने इनकार किया तो शशि कपूर के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने उसे और पैसों का ऑफर किया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस पूरी महफिल में सन्नाटा पसर गया। हम आपको बताते हैं कि उस महफिल में ऐसा क्या हुआ था। ये किस्सा 31 साल पहले आई फिल्म इन कस्टडी है। फिल्म में शशि कपूर, शबाना आजमी, ओम पुरी और नीना गुप्ता जैसे दिग्गज सितारे थे। फिल्म में तवायफ का किरदार था, जिसके लिए उन्होंने भोपाल का रुख किया। वहां कुछ ऐसा हुआ कि शशि कपूर के हाथ पैर फूल गए। क्या है ये मजेदार किस्सा, चलिए जानते हैं। दरअसल 1993 में इस्माइल मर्चेंट ने अनिता देसाई की नॉवेल इन कस्टडी पर फिल्म बनाई, जिसकी शूटिंग भोपाल में शुरू हुई। इस फिल्म में एक उर्दू शायर होता है जिसकी दो बीवियां हैं, जिसमें से एक तवायफ है। फिल्म के एक सीन में एक मुजरा का सीन शूट होना था, जिसके लिए इस्माइल मर्चेंट ने शशि कपूर से बात कि उन्होंने असली मुजरा कार्यक्रम का सुझाव दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल मर्चेंट ने प्रोडक्शन मैनेजर को भोपाल के किसी व्यक्ति से मुजरे के लिए एक असली तवायफ को ढूंढने को बोला, तो पता चला कि जिस जगह पर मुजरा करने वाली तवायफ रहा करती थी, उन सब ने ये काम छोड़कर घरेलू जिंदगी को अपना लिया है। वक्त कम था, इसलिए शहर से दूर भी किसी तवायफ को ढूंढने नहीं जाया जा सकता था। क्रू मेंबर्स से किसी एक शख्स ने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि मैं एक तवायफ को जानता हूँ, मैं उससे बात करके देखता हूँ। वो उस तवायफ के एक मामूली से घर में गया और बाहर आकर बोला कि मैंने उसे गाने के लिए मना लिया है, इसके लिए वो 10,000 रुपए लेगी और उसने एक शर्त रखी है कि उसे कोई लेने नहीं जाएगा। जहाँ भी ये आयोजन है, वो वहाँ अपने साथियों के साथ खुद आ जाएगी। एडवांस लेने के बाद अगले दिन वो अपने साथियों के साथ होटल में आ गई, लेकिन जैसे ही नजारा देखा तो रोने लगी। दरअसल जिस शख्स ने उसे बुलाया था, उससे ये कहा था कि सिर्फ शशि कपूर उनका मुजरा देखेंगे। भीड़ देख उसने मुजरा करने से मना कर दिया। ये बात शशि कपूर तक पहुंची तो वो उस महिला के पास गए और पूछा, क्या कारण है? इसके जवाब देते हुए वो रोने लगी और बोली, मैं ये गाने का काम पहले ही छोड़ चुकी हूँ और घरेलू जिंदगी में व्यस्त हूँ। घर की हालत ठीक नहीं है, शौहर भी बीमार रहते हैं, पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। लेकिन यहाँ और भी लोग हैं, किसी ने मुझे मुजरा करते हुए पहचान लिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। महिला ने एडवांस भी वापस करना चाहा तो शशि कपूर ने कहा कि देखिए, आप भी कलाकार हैं और मैं भी, हम सब एक ही बिरादरी के हैं, इसलिए आप घबराए नहीं। शशि कपूर ने उन 10,000 रुपए में कुछ और रुपए जोड़कर उसको दिए और उसके साथियों को भी दिए। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी।